कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिससे ये सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि इस बजट का आपकी पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं बजट में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट्स के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की संभावना है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोल्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी। सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इसी के साथ पेट्रोलियम को फिनाइल करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा। महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने बजट में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन ईयरफोन महंगे हो जाएंगे। सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो जाएंगे। सीमा शुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल शामिल हैं। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि महंगी हो गई हैं। बजट पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के साथ ही अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कल बीजेपी ने सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। तब वे इस पर विस्तार से बात करेंगे।